आम का मुरब्बा है, ये अचार है, सेम है, ये अचार भी है, वो अचार भी सेम। ये दो रिट्टू भी घर पे बना। तो आज की लिस्ट बन चुकी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो सुबह के 11 बज चुके हैं और बहुत सारे काम हैं। ये देखिए लिस्ट बन चुकी है। तो अब दिन को शुरुआत करते हैं, ब्रेकफास्ट खाना है, ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी से निकलना है, सारे काम करने हैं आज के। मैं अभी जो है बाहर डोर पे नॉक होने लगा, खट 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 खट। तो आजकल हैबिट ही नहीं है कि डोर पे कोई आए, जो भी आता है कॉल करता है, जिससे काम होता है। घर में 20 लोग हैं तो सबके पास अपने फोन्स हैं, अपने अपने हिसाब से सबको बुला लेता है, अपना काम हो जाता है। तो ये था कूड़े वाला जो हर महीने में एक बार आता है। मैंने कहा यार ऑनलाइन कर दो, तुम भी यार ऑनलाइन कर दो, इजी हो जाएगा। कहता है भैया वैसे ही जॉब्स नहीं है, आप और जॉब कम करा रहे हो। तो मैं हंसने लगा। तो ये 2 महीने का जो है बिल आया है 200 रुपए। पिछले में कह रहा था, पिछले महीने में भी आया था मैं भैया, तो कोई मिला नहीं, मैं नॉक करता रहा, मुझे लौटना पड़ा। मैंने कहा यही प्रॉब्लम होती है यार, आजकल कोई निकलता नहीं है, नॉक करने से कोई नहीं निकलता, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। उसका जवाब बड़ा प्यारा लगा कि सर जॉब वैसे ही कम हो रही है, आप और जॉब कम करा रहे हो। तो मैंने कहा फटाक से दे दिए उसको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मी, हरिओम। देखो कितने सारे पैकेटी पैकेटी, ये मम्मी सजाती है बहुत सारी चीजें, ऐसी बॉक्सेस, डिब्बियां छोटी छोटी। मम्मी इतनी अच्छी है ना, सारा सामान संभाल के रखती है, कुछ भी नहीं फेंकती है। कूड़ा भी मम्मी का मन करता है कि रख दें कहीं पे, फेंकना ना पड़े। तब देखिए आप लाइन से डब्बियां, सब कूड़ा, पन्निया, अभी आएगी तो ले जाएगी, बस ऐसे संभालती जाएगी, संभालती जाएगी। ठीक है, कई दिन से मम्मी को बोल चुका हूँ, मम्मी फेंको कूड़ा है ये, कूड़ा थोड़ा जमा करो कि पहाड़ बन जाएगा, मगर नहीं, मम्मी थोड़ा फेंकती है, ज्यादा संभाल लेती है। बोलो अब, बोलो क्या जवाब है? पता नहीं, भगवान जाने। हाँ, क्योंकि मम्मी टाइम देखो कितना मिलता है। हाँ, पड़ा है मम्मी मेरे पास सामान, तुम सिर्फ थोड़ा सा देना चखने के लिए। हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं। हाँ, भाभी का रखो यार, भाभी आएगी लेगी तुमसे, टोक देंगे हम, बोल देंगे। ब्राउनी, ब्लैकी, ब्लैकी, ब्राउनी, ब्राउनी, ब्लैकी, ब्राउनी एंड ब्लैकी, दोनों शांत हो गए भाई, अभी भौंक रहे थे भौं भौं आने से पहले। हमारे मामा, ये आम का मुरब्बा है, ये अचार है, सेम है, ये अचार भी है, वो अचार भी सेम। ये दो रिट्टू भी घर पे बना के रखी हुई है। हमें आप अचार दीजिए मम्मी। अच्छा, ये ना तुम ये भी दीजिए, आप ट्राई करेंगे आपके हाथ का। ठीक है, तो आपको अभी मेजरमेंट ये नहीं आइडिया होगा कि ये कितने, अभी आप स्केल जरूर ले लीजिए तुरंत। ये थोड़ा दीदी को भी दे देना। हाँ हाँ, एकदम हम दे देंगे ना उसी में से। नहीं, अचार मैं 2 डब्बों में दे देती हूँ दीदी के लिए तुम्हारी। इसको जो है आपको और करना पड़ेगा, इसमें अंदर एक पॉलिथिन लगाइए, उसके बाद इसको कसिए, उससे ये होगा कि लीकेज नहीं होगा ले जाने वाले को। देखिए जिसकी जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उसको आदमी याद करेगा कि यार तकलीफ नहीं हुई, और ये डब्बे अच्छे हैं, यही हम बोल रहे थे। मम्मी देखिए कुछ भी हो पैसे से मतलब नहीं होता है, हर चीज में एक मजा आता है काम में लगे रहने से। ये है कि थोड़ा बिजी भी हो जाऊंगी। हाँ, और चार पैसे आएंगे। हाँ हाँ, और क्या क्या बुराई है। अब हम ही है मम्मी, हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा, हम रोज वीडियो बनाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा मेरा लगता है, बनाते हैं, मजा आता है कुछ ना कुछ नया करने में। और कौन सा बनाया मम्मी? अदरक का आज मैं बना रही हूँ। हाँ, बाहर कौन सा रखा है? वो नींबू का नमक वाला, वो तेल वाला रखा है नींबू का। दीजिए,
वो थोड़ा सा है, छोटी सी डब्बी जो ट्रेन वगैरह में हम लोग ट्रैवल करते हैं। ये देखो 5-5 किलो नींबू डाला है, ये तो अभी तैयार नहीं है, बंद नहीं हो रहा था, देखो अभी तक कम हो गया है, और इन्हीं के दोनों के डब्बे 5-5 किलो है ना, कम हो गया तो इसमें पूरा दोनों का 10 किलो है। ये आम बनाओ, मीठा मीठा नींबू तेल वाला, नींबू नमक वाले में टाइम लगेगा तो वो तो अभी नहीं जाएगा मार्केट में, नींबू नमक का जा सकता है, ये हफ्ते में बन जाएगा तेल में। ठीक है, और हरी मिर्च का बोला है मैंने, हरी मिर्च मोटी मिर्च, ये अदरक का तैयार हो रहा है, अदरक का तैयार कर दीजिए, और हरी मिर्च बोला है इसको मैंने, हरी मिर्च पतली पतली जो होती है हाँ। वो भी बड़ा बढ़िया, पतली भी हरी मिर्च हाँ। और जो मोटी भी हरी मिर्च होती है ना, और एक लाल मिर्च जो है, लाल मिर्च वो भी बढ़िया लगती है, वो भी बनाऊंगी। अरे हम लोग कहाँ जाते थे महोत्सव, देखा तो मम्मी तुरंत बनाइए अगर मौसम है, आंवले का बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा डिमांड में। लहसुन की अचार, आम की अचार, मिर्चे की अचार, लाल मिर्चे की अचार, मुरब्बा, मुरब्बा कैंडी और शहद, आंवला कैंडी हो तो जरूर ले उसे, आंवला कैंडी, शहद जैगरी, सुन रही हो, शहद जैगरी एड वो हाँ, ये अच्छी ये आम की अचार है, मुरब्बा है, नींबू की अचार, लाल मिर्चे की अचार, और मिठाई एक बनाई है, ये मिठाई में वो है घी, और मिठाई में घी है, अच्छा मम्मी वाला, और इसमें पिसी हुई मूंगफली भी है, माजून बोलते हैं इसको, माजून तो नहीं है, टेस्ट खोए की, खोए की बर्फी वाला टेस्ट है, खोए की बर्फी, अभी अभी ब्रिकफील्ड पे आया हूँ, और मैंने कहा लाइट है तो सबसे पहले मोटर ऑन कराई और गाड़ी को वॉश करवा रहा हूँ मैं, तुम लोग पीछे पीछे आओगे हा? क्या रहा था तुम लोग का, तो 3 नंबर लाला कब खोले हो, 13 तारीख से खुला, नोट कर लेना ठीक है, और किससे चल रहा है इसके साथ साथ, बढ़िया से ढक के, नहीं पानी नहीं गिरा है उस दिन से, मगर पानी यहाँ नहीं गिरा, टाइल का नहीं आया कोई खरीदार, सही कह रहे थे तुम, मगर बहुत ज्यादा बनी भी नहीं है, 30-35 से आ रहे हैं, ज्यादा कहाँ बनी है, तो है तो बूंदी मार हो जाती, दिक्कत रहती, इसलिए सोचे थे बाद में बनवाई जाए फिर अगले सीजन में, कहाँ बन पाती तुम्हारी, 3 साल से तो गैप पड़ गया है, बन ही नहीं पा रही है, नहीं इसमें नहीं कह रहे थे, पिछली बार जैसे ही उठाया गया था उसी तरह 10 नंबर में कह रहे थे, 10 नंबर में हाँ ठीक है, हम पैसा लेने गए हैं ना एक बार, देंगे उनसे संपर्क करके, उनके पास कुछ ईटे सैंपल चाहिए, 8-10 ईटा भिजवा देना, 8-10 सीटा, कह रहे थे नई दुकान खोले, ये वही तो है भैया जो भट्टे में वहाँ से, एकदम सही तुम, हम एक रामायण के नाम से, रामायण के नाम से कहाँ पे पता नहीं,
तीन चार भट्टे कर लिए। इस साल दो चल रहे थे ना। हाँ, दो चल रहे। खुलवा के बाहर करवा दो ऐसे ऐसे से मार के, बहुत ज्यादा ना हो, नहीं तो फिर मेहनत पड़। थोड़ा इतना किया जाए, उठ जाए तो ये मंजिल बेच दिया जाए फिर। हाँ, मगर पहले इसमें से आधा अच्छे से निकलवा लो। इसमें से उठायो धारी। पॉलिश होने के बाद चमक गई है। अनूप और अमर ने पूरा बढ़िया से साफ कर दिया। चम 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 कर रही है। चलो ठीक है फिर, जयराम 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 जयराम। ओ पिकअप पिकअप पिकअप। इधर से वो पहुंच गया खेत। भी पिकअप दिखा, पता नहीं इसमें विजिबल हुआ कि नहीं, चला गया इधर से। ये आजकल दिख जाते हैं प्यारे से पिकॉक्स कभी कभार।